Everyone, good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are, I am AC Siddhisha Chauhan, a proud film drama. आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं अबाउट 10 स्टेप्स और की पॉइंट्स टू क्लियर योर ACCA प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. नंबर वन स्टेप है दैट यू आर अवेयर ऑफ योर सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न. प्रोफेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसका पैटर्न जो है थोड़ा डिफरेंट है आपके स्किल लेवल के एग्ज़ाम्स का. तो यू नो यहाँ पे प्रोफेशनल मार्क्स की भी काफ़ी वेटेज आ जाती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता है एग्जैक्टली क्या पैटर्न है और कौन से एग्ज़ाम का कैसा पैटर्न है, बिकॉज सबको थोड़ा अलग है. एंड सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जिस ईयर में आप दे रहे हो. सो मेक श्योर लेटेस्ट जो मतलब सिलेबस एरिया है आप उसको ही फॉलो कर रहे हो, बिकॉज यू नो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चेंजेस ACCA जो है इशू करता है जो उनकी वेबसाइट में मेंशन है. सो मेक श्योर आपको पता हो अगर कोई चेंजेस हुए हैं, सो दैट आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो. देन नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन इन एडवांस एंड मेक और फॉलो अ प्लानर. यू नो बहुत ज़रूरी है, ये प्रोफेशनल लेवल है, यहाँ पर डिफिकल्टी ओबियसली थोड़ी और ज़्यादा है दैन योर पिछले के लेवल. सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग इन एडवांस. एग्जाम से जस्ट फ्यू डेज पहले और फ्यू वीक्स पहले अगर आप सोच रहे हो आप पढ़ के क्लियर कर लोगे, देन माई फ्रेंड्स यू आर मिस्टेकन. नो, यहाँ पर आपको बहुत प्रिपरेशन और बहुत फोकस की ज़रूरत है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव या बहुत डिफिकल्ट है कि आप कर ही नहीं सकते हो, मैंने खुद भी क्लियर किया है, बट फोकस और डेडिकेशन यहाँ पे आपको देना होगा और पहले से इन एडवांस आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए. एक प्लानर बनाओ, उसको फॉलो करो कि किस वीक में आप कितने चैप्टर्स कवर करने का सोच रहे हो. ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन अचीविंग अ गुड स्कोर और इवन क्लियरिंग देम. एंड मैं ये हमेशा कहती हूँ सिर्फ क्लियर करने का वैसे एम मत ही रखा करो कि आई जस्ट क्लियर इट, कि जस्ट 50 आ जाए. ऑलवेज कीप लिटिल हायर एम. अगर आप हायर रखोगे ना तब आप शायद वहाँ पहुँचो, अगर आप सिर्फ 50 रखोगे ना तो यू माइट गेट स्टक एट 48-47. बहुत बार ऐसा होता है कि जस्ट फ्रॉम फ्यू मार्क्स वी मिस आउट द मार्क. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आप जो है एक प्लानर रखो या एक टाइम टेबल बनाओ और उसको आप फॉलो करो. देन नेक्स्ट स्टेप इज You complete the entire syllabus. We can't do cherry picking. हम नहीं बोलेंगे कि हम सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये चीज़ डिफिकल्ट लग रही है, या ये चीज़ मुझे नहीं लगता आएगी. नहीं, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा. सो मेक श्योर यू कंप्लीटिंग द इंटायर सिलेबस. जो भी सिलेबस यू नो मेंशन किया गया है एज पर द ACCA कि इस सब्जेक्ट का ये सिलेबस है पूरा, आप पूरा सिलेबस कवर करो. एंड इफ यू आर विद अस फिनट्रैक ग्लोबल तो हम तो आपको अपडेटेड यू नो वीडियोस देते हैं, सेशंस देते हैं, जो कि यू नो उसमें जो भी अगर सिलेबस एरिया चेंजेस भी हुए तो वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. वी आर द गोल्ड अप्रूव्ड ACCA लर्निंग पार्टनर्स एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, टेक अ डेमो सेशन एंड यू understand yourself. All right, the next step is that आप use कर रहे हो सारी resources. अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो हम आपको sessions provide करते हैं, revision bootcamp देते हैं जहाँ होते हैं revision sessions, question marathon जहाँ पे हम you know सारे past exam questions सब कुछ मिलके solve करते हैं. लेकिन अगर आप अपने आप पढ़ रहे हो या कहीं और से पढ़ रहे हो, still जो भी आपके पास resources है आप उनका make sure आप पूरा use कर रहे हो. उसके अलावा आप ACCA की वेबसाइट पे देखोगे टेक्निकल आर्टिकल्स, एग्जामिनर रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको प्रोफेशनल लेवल पे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीज़ें भी गो थ्रू कर रहे हो. यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये सब कवर कर रहे हो. सो मेक श्योर आप वो भी देख रहे हो, यू आर यूजिंग ऑल ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर देयर फॉर यू. देन नेक्स्ट स्टेप इज कि आप टाइम रख रहे हो रिवीजन के लिए. सिर्फ एक दिन से रिवीजन नहीं होगा, बहुत वास्ट सिलेबस होता है, यू नो प्रोफेशनल लेवल में बहुत सारी चीज़ें होती है. सो सिर्फ एक दिन इज़ नॉट इनफ फॉर रिवीजन. सो मेक श्योर यू आर एलोकेटिंग इनफ टाइम फॉर योर रिवीजन और आप प्लान करके चल रहे हो कि भाई मैं इतना दिन या इतना वीक जितना भी आपके पास बेसिकली आपको लगता है यू नो ज़रूरी होगा आपने उतना रिवीजन के लिए रखा है और आप उसको फॉलो कर रहे हो और उस टाइम पे आप रिवाइज करो. कोई नई चीज़ नहीं उठा रहे हो, आप उससे पहले हर चीज पढ़ चुके हो और अब बस आप रिवीजन पे ध्यान दे रहे हो. द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ऑफ कोर्स
प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस लेवल पे आके आप अगर सोच रहे हो सिर्फ क्वेश्चन देख के ही आप सॉल्व कर लोगे, देन यू आर मिस्टेकन। प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख के सबको लगता है कि हो जाएगा, लेकिन जब करने बैठते तो पता चलता है। तो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, यू आर टाइमिंग योर सेल्फ। टाइम मैनेजमेंट इस लेवल पे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड आप कई बार ऐसा होता है, कई स्टूडेंट्स के पेपर्स काफ़ी छूट जाते हैं। सो आपको प्रैक्टिस जितना आप करोगे, आप इस चीज़ पे इम्प्रूव कर पाओगे। द नेक्स्ट इज दैट यू आर गिविंग मॉक एग्जाम्स। ये तो बहुत ही ज़रूरी है। बिना मॉक एग्जाम्स दे के अगर आप प्रोफेशनल लेवल दे रहे हो तो बहुत ही आप रिस्क ले रहे हो, मैं तो ये कहूँगी। मॉक एग्ज़ाम देना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको उसमें पता चल जाता है कि आप कितना, आपने एक्चुअली जो प्रिपेयर किया था वो कितना सही रहा है, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, आपकी टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा है, कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, क्योंकि तब भी टाइम होता है कि आप थोड़ा और इम्प्रूव कर सको इन सारी चीज़ों पर, राइट। लेकिन अगर आप मॉक एग्ज़ाम्स नहीं दोगे, सीधा जाके एग्ज़ाम दोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कभी कि भाई मेरे में ये कमियां थी, मैंने ये चीज़ें और मैं अच्छे से पढ़ सकता था या पढ़ सकती थी। तो इसलिए मॉक एग्ज़ाम दो, सो दैट द नेक्स्ट स्टेप इज जो भी इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको टैकल कर सको। मॉक एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आपने कितना स्कोर किया, कहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं, क्या आपको, लेट्स से अगर प्रोफेशनल मार्क्स आपको नहीं मिले अच्छे, तो आप क्या कर सकते हो, कैसे उसमें इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर आपको लगता है आपका चलो वो पार्ट अच्छा था लेकिन मैं लेट्स से कुछ और चीज़ों में वीक हो, लेट्स से कोई प्रैक्टिकल किसी क्वेश्चन में मेरे में प्रॉब्लम आई, तो फिर मैं उसमें और प्रैक्टिस करूँ। तो इसलिए मॉक एग्ज़ाम देना भी ज़रूरत है, और उसके बाद आपको जो भी इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं मॉक एग्जाम से, जो भी आपने बेसिकली यू डिडंट परफॉर्म वेल, यू कैन वर्क ऑन दैट। द नाइन्थ पॉइंट इज डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। यानी कि प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स पहले से थोड़े आपको डिफिकल्ट लगेंगे स्किल लेवल से। यहाँ पे आप जो चीज़ें पढ़ो और ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ लो, तो स्किल लेवल में भी कई बार, वैसे तो हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि भाई एक बार में आप एक ही पेपर दो, लेकिन कई बार बच्चे दो दो दे देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे आके अगर आप एक बार में दो या तीन पेपर दे रहे हो, तो आप अपने आप को कर रहे हो ओवर बर्डन, जिससे आपका रिजल्ट जो है ख़राब हो सकता है। आप शायद एक उसमें से कोई ना क्लियर करो, या शायद दोनों ही क्लियर ना करो, तो उससे बेटर है कि एक दो और उस पर अच्छे से फोकस करो, क्योंकि आपकी बाकी कमिटमेंट्स भी होती हैं, चाहे वो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वर्क हो गया। हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं और कर रहे हो एंड सिर्फ ये कर रहे हो, तब आप फिर भी सोच सकते हो एक बार में दो पेपर्स देना, पर उसके लिए भी आपको फिर बहुत प्रिपरेशन करनी होगी। इसलिए डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ, आप जज कर लो खुद ही, एंड आप नेक्स्ट सिटिंग में दूसरा पेपर दो, कोई इतना वो तो है नहीं प्रॉब्लम, बिकॉज चार सिटिंग्स हैं हमारे पास। तो अगर आप जून में आपने एक पेपर दी, तो आप नेक्स्ट सेप्टेम्बर में दे दो, रैदर दैन दोनों एक बार में देना, क्योंकि बहुत उसमें आसपास डेट्स ही होती हैं, एंड फिर बहुत आपको ओवरबर्डन फील होगा, बिकॉज प्रोफेशनल लेवल में आपको बहुत डिटेल में अब आप पढ़ रहे हो चीज़ें। सो इट्स बेटर कि आप एक टाइम पे एक दो। एंड द फाइनल स्टेप इज मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। एग्जाम की ड्यूरेशन एंड ड्यूरिंग लाइक द फाइनल वीक एंड एग्जाम डे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर हेल्दी एंड योर स्टेट इज लाइक एवरीथिंग इज फाइन फिजिकली मेंटली। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप अच्छे से अपनी ख्याल नहीं रख रहे हो हेल्थ का, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, फीवर हो गया, कफ हो गया, एंड फिर वो जो है इफेक्ट आएगा आपकी प्रिपरेशन पे और एग्ज़ाम डे पे भी। आप ऑब्वियसली अपना 100% नहीं दे पाओगे, 100% आप तभी दे पाओगे जब आप 100% फिट होगे। और 100% फिट कैसे होगे? अगर आप पूरे टाइम उस ड्यूरेशन में यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम, स्लीपिंग इनफ, टेकिंग रेस्ट, ईटिंग हेल्दी, एंड आप सब कुछ अपना जो भी है, एक्सरसाइज करते हो तो आप वो कर रहे हो, वॉक करते हो तो वो कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हो टू मेक श्योर यू आर हेल्दी। बिकॉज एग्जाम देने जब जा रहे हो, यू हैव टू बी हेल्दी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अगर आपकी तबीयत खराब है, देन यू विल नॉट परफॉर्म दैट ग्रेट, एंड आपने इतनी जो मेहनत की वो भी वेस्ट जाएगी। सो इट्स बेटर दैट हम पहले से अपना ख्याल रखें एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड एंड हेल्दी। And we are FinTram Global are the gold approved ACCA learning partners,
who are helping students across the world, right from the registration, coaching and mentoring them. So agar aap hamare saath abhi tak nahi jode ho, all I will say is just visit our website, take our demo sessions and I'm sure it will change your mind. Agar aapki koi queries hai, you know, you can comment down below, get in touch with the team. Hum gold approved partners hai, hum aapko sessions de rahe hai, uska revision sessions de rahe hai, क्वेश्चन मैराथॉन्स देख रहे हैं, सो दैट यू नो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड आप अपने आराम से जो भी प्रोफेशनल लेवल के पेपर है उसको टैकल कर पाओ. आई विल सी यू सून. टिल देन दिस इज दिशा चौहान साइनिंग ऑफ.